this, right? Now, what we find after when the pandemic is going on and just 5 to 6 months down the line, that those people who were a part of that Shaheen agitation, Shaheen Bagh agitation, right? They are joining BJP party. So what will you say about that? तो ये इस तरह की चीजें जो हैं ये हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हो रही हैं आज की तारीख में। हाँ, कोई अच्छी चीज होती है तो उसको प्रोजेक्ट करके सबको खुशी मिलती है, बिकॉज इट मेक्स योर चेस्ट स्वेल, इट मेक्स यू फील प्राउड ऑफ दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग गुड। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन द कंट्री, बट विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ऑल दैट आई कैन से इज दैट we live in a manipulative world where things are getting manipulated to cover up certain negatives that are happening in the country and to project positives which are out of bounds. मतलब positives को तो इतना बढ़ा देते हैं, इतना inflate कर देते हैं कि हमें लगता है कि अरे भगवान पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है ना, मगर हकीकत कुछ और ही होती है, ठीक है ना। See, Rajneesh, you can do anything in this world. You can do anything in this world, but the thing is, you should also be prepared that there will be a backlash and there will be some kind of negativity that will be involved. So how beautifully you can handle that negativity, actually, that is a hallmark of your brilliance, that is the hallmark of your acumen. Acumen matlab aapki soojbooj. ब्रिलियंस मतलब आपकी एक जो इंटेलिजेंस है उसका एक वो उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। आप किस तरह से डिसीजन आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप आर्टिकल 370 स्क्रैप करें, चाहे आप ट्रिपल तलाक खत्म करें, जो करें बहुत अच्छी बात है, मगर उसके बाद में हो क्या रहा है ये भी आपको देखना पड़ता है ना कई बार एज अ नेशन। नाउ द होल ऑफ कश्मीर इज अंडर सीज, The whole of Kashmir, जब से आर्टिकल 370 स्क्रैप हुआ है एक साल तो हो गया मेरे ख्याल से, है ना, एक साल से वहां पे लाइफ नॉर्मलाइज नहीं हुई है। वहां के लीडर्स आज भी जो हैं, they have been asked to stay indoors and they are not allowed to come out and interact with the public. That means 365 दिन से ज्यादा ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे कि वहां पे नॉर्मलसी हम लोग रेस्टोर नहीं कर पाए हैं। तो ये कब तक चलेगा ये भी देखने वाली बात है हम लोगों के लिए, ठीक है। इन द ईयर 2006 और सो आई हैड विजिटेड कश्मीर एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फाउंड दैट देयर वाज एन एब्सोल्यूट नॉर्मलसी व्हिच वाज प्रिवेलिंग ओवर। वहां पे कोई मिलिटेंसी मैंने ऑब्जर्व नहीं की थी, वहां पे मैं फ्रीली घूमा था, वहां पे मैं वहां के लोकलाइट्स के साथ घूमा था, मैं शिकारा में रहा था, मैं जिस होटल में रहा था वो होटल जो था पहले एक आता था एबीपी न्यूज को, पहले स्टार प्लस चैनल कहते थे, उसका वो हेडक्वार्टर्स था जहाँ पे कि मैं रहा था। 10 दिन तक मैं वहां रहा था, मुझे कुछ भी गलत नहीं नजर आया था, मगर आज की तारीख में अगर कोई मुझसे कहे तो क्या मैं जा सकता हूँ वहां पे, मैं नहीं जा सकता हूँ। दैट मीन्स द मिलिटेंसी इज ऑन द राइज एंड द नॉर्मल लाइफ हैज बीन डिसरप्टेड एंड वी एज कॉमन इंडियन कैन नॉट गो एंड स्टे इन श्रीनगर वेयर आई स्टेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 days। थी सिक्योरिटी थी मैं मानता हूँ, बट मैं मेन लाल चौक पे रोज घूमा करता था जहां पे कि आजकल रोज बम फूट जाते हैं और कभी भी किसी भी सिक्योरिटी के आदमी को मार दिया जाता है। उस वक्त ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। तो वक्त के साथ साथ सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, वक्त के साथ साथ इकोनॉमी चेंज होती रहती है, और एंड ट्रस्ट मी कश्मीर इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इशू देन एनीथिंग एल्स, जहाँ पे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की ईगो क्लैश कर रही है। एंड हु आर द सफरर्स? द सफरर्स आर द पीपल हु लिव इन श्रीनगर। इकोनॉमी वहाँ की अगर आप वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखेंगे तो यू विल बी अमेज्ड। मुझे नहीं लगता है कि स्विट्जरलैंड उससे बेहतर होएगा। आप वहाँ की खूबसूरती को देखिए जा कर के, बेहद खूबसूरत स्टेट है कश्मीर, मगर क्या है हम वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टूरिज्म को प्रमोट करेंगे तो फॉरेनर्स को मार दिया जाएगा। अगर फॉरेनर्स को मार दिया जाएगा तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, अगर दुनिया में हाहाकार मचेगा तो इंडिया को
इंडिया का क्रिटिसिज्म होएगा, इंडिया के खिलाफ कुछ लोग हो जाएंगे, कुछ कंट्रीज हो जाएंगे, ठीक है, इंडिया को दे विल होल्ड टू रैंसम कि अगर हमारे लोगों को कैप्चर किया हुआ है तो उनको छुड़वाइए, चाहे उनकी फिर जो भी मांग हो। तो ऐसी बहुत सारी मूवीज आ भी चुकी हैं अगर आपने देखा हो, जहाँ पे कि, और ये हो चुका है कश्मीर में, तो ये हो चुका है, जबकि मुफ्ती मोहम्मद सईद थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनकी डॉटर को एबडक्ट करके, और उन्होंने अपने जो हार्ड कोर टेररिस्ट थे जिसमें से कि आपके कौन सा जैश ए मोहम्मद वगैरह के जो ये हैं, हाफिज सईद वगैरह, ये सब छुड़ा करके ये लोग ले गए थे यहाँ से, है ना। एंड व्हाट हैव दे डन टू द कंट्री, वी ऑल नो दैट दे हैव बिकम अ थॉर्न इन द सोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। कितना हम लोग सफर कर रहे हैं उसके, इन लोगों के हाफिज सईद और इन लोगों के छूटने के बाद से, आप सब जने जानते हैं कि किस तरह से ये लोग एक के बाद एक अटैक्स प्लॉट करते रहते हैं, और हिंदुस्तान इज ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ एनी नेशन, वी नीड टू मेक श्योर दैट पीपल आर फ्री विल टू मूव अबाउट एंड मेक अ वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। सो दैट इज वेयर वी हैव टू गिव लॉट ऑफ अटेंशन टू, एंड वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल एज टू वॉट इज हैपनिंग ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। आप में से शायद कुछ लोग, हो सकता है बिहार के हों, बिहार आई हैव सीन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स इन बिहार, बट नाउ बिहार इज स्लोली कमिंग बैक टू द नॉर्मल, थिंग्स आर बिकमिंग नॉर्मल इन गुजरात, इन बिहार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड एक्सपीरियंस द मिलिटेंसी इन पंजाब, जिस तरह से आज कश्मीर में नहीं घुस सकते हैं उस तरह से हम लोग पंजाब में नहीं घुस सकते थे। आज आप लोग, हो सकता है काफी लोग पंजाब से भी यहाँ पे हों SKIT में, और पंजाब आज बिल्कुल नॉर्मल है, वहाँ के लोग कितने कितने वार्म हैं और कितने वेलकमिंग हैं गेस्ट के लिए, ये पूरी दुनिया जानती है। सो दैट इज वाई पंजाब इज प्रॉस्परिंग। द सेम थिंग कैन हैपन टू कश्मीर, कश्मीर कैन ऑल्सो प्रॉस्पर एंड इट कैन मेक अ ह्यूज एंड ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन थ्रू द प्रमोशन ऑफ ओनली टूरिज्म। आप कश्मीर में कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट मत करिए, आप सिर्फ टूरिज्म को प्रमोट करिए, और वहाँ का आदमी करोड़पति बनेगा, हर इंसान वहाँ का आदमी करोड़पति बनेगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी खूबसूरती है, इतनी सारे वहाँ पे शिकारगाह हैं, इतने सारे घूमने फिरने की जगह हैं। सिर्फ वहाँ पे टूरिस्ट गाइड्स का अगर नौकरी दे दिया जाए, या जो ये शिकारे हैं उनको रन करने दिया जाए, तो मेरे ख्याल से वो स्टेट बहुत प्रॉस्पर कर सकता है इस हिंदुस्तान में, एंड इट कैन बी आ नंबर वन कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। बट द प्रॉब्लम इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ईगो क्लैशेस बिटवीन द टू नेशंस, कश्मीर इज एट द रिसीविंग एंड। सो दैट इज रौनक इज सेइंग कि मेरे यहाँ एक वीक फिर से लॉकडाउन बोल रहे हैं। रौनक आप क्या जोधपुर बेल्ट से हैं? रौनक नो सर, फिर कहाँ से हैं आप? अलवर, मेड़ता, नागौर मेड़ता। मेड़ता, नागौर। सी वो ये क्या है, जोधपुर बेल्ट अकाउंट्स फॉर 33% ऑफ राजस्थान जोग्राफिक एरिया, एंड मेड़ता नागौर जो है दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ, मैं तो हमेशा यही समझता हूँ कि दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ जोधपुर, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है जोधपुर से इन जगहों का, और ये पूरी जोधपुर की जो बेल्ट है अभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। नाउ जयपुर इज ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब बिकॉज वी हैड लास्ट नाइट 202 केसेस ऑफ कोरोना पॉजिटिव, एंड अलवर इज आई थिंक इट इज 253, यस्टरडेज फिगर वॉज 253। तो अलवर हुआ, जयपुर हुआ, जोधपुर एज यू नो हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोरोना। सो ये अभी तीन जो है, तीन जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये अभी जो है एपी सेंटर है राजस्थान में कोरोना वायरस के, और अगर राजस्थान से कोरोना वायरस को रिड्यूस करना है, मैं इरेडिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको केसेस को रिड्यूस करना है एंड टू अटेन अ वेरी रिस्पेक्टेबल फिगर विद जीरो मॉर्बिडिटी, मतलब कोई मौत ना हो, तो आपको इन तीन जगहों पे, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जिसके साथ में मेरे हिसाब से सात आठ डिस्ट्रिक्ट्स और आ जाते हैं अड़ोस पड़ोस के आपके,
बाड़मेर आ गया, जैसलमेर आ गया, आपका नागौर इधर आ गया, पाली आ गया, है ना, ये सारे इलाके जो हैं आपके, ये सब कोरोना पॉजिटिव केसेस से भरे हुए हैं। लाइकवाइज जयपुर इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स, एंड अलवर वी ऑल नो वेरी स्मॉल सिटी बट अगेन विद हाइएस्ट नंबर ऑफ केसेज दैट वर रिपोर्टेड यस्टरडे। सो देयर आर इशूज, देयर आर इशूज एज फार एज, हाँ बोलिए रजनीश। एज ऑफ नाउ आई डोंट फोरसी एनी चांस कि कॉलेज खुलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक वैक्सीनेशन होना शुरू नहीं हो जाता है दिसंबर तक, ठीक है ना, और इवन सी रजनीश, द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस पेंडेमिक इज दैट एवरी डे वी कीप ऑन रिसीविंग न्यू गाइडलाइंस। तो हो सकता है आपकी जब एंट्री हो कि आप आकर के अपनी नॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं, तो हो सकता है, मैं देखिए, मैं आई एम, मतलब एक एक वर्ड होता है क्लियर वॉयंस, मतलब एन एबिलिटी टू लुक इन टू द फ्यूचर, ठीक है ना। सो आई कैन प्रेडिक्ट, ये हो सकता है आपसे कहा जाए कि आप अपना एक उसकी रिपोर्ट दीजिए कि आप वैक्सीनेट हो चुके हैं कोरोना वायरस के खिलाफ, और आप आकर के हॉस्टल में रह सकते हैं, आप आकर के यहाँ पे नॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं। हो सकता है, मैं ये जरूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो हर चीज हो ही हो, बट देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वंस दी वैक्सीन अराइव्स देन यू कैन गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड एंड यू कैन कम एंड अटेंड दी रेगुलर क्लासेस। वाई सो? बिकॉज देन यू विल नॉट बी अ कैरियर ऑफ कोरोना वायरस, है ना, यू विल नॉट बी एबल टू इन्फेक्ट अदर्स, एंड दैट वे यू कैन क्रिएट अ वेरी हेल्दी एटमोसफियर विद इन द सिस्टम। तो हो सकता है ये डायरेक्टिव आ जाए, जैसे कि आज की तारीख में, अगर आप कहाँ रहते हैं रजनीश, वेयर डू यू लिव रजनीश? दिल्ली में रहते हैं? ओ, तो दिल्ली में, जैसे कि दिल्ली में अगर आप रहते हैं, तो रजनीश आपको पता होगा कि आप चाहे किसी भी हैं कजिन को, हाँ देखिए वहाँ पे तो दिल्ली में तो काफी फैला हुआ है, और दिल्ली में आपको, अगर आपको कल की रिपोर्ट पता हो, तो नई रिपोर्ट कहती है कि 30% पॉपुलेशन हैज ऑलरेडी बीन अफेक्टेड विद दिस कोरोना वायरस। वो एक सीरो टेस्ट होता है, सीरो टेस्ट करने के बाद में दे हैव कम टू द कंक्लूजन, एंड 50% पॉपुलेशन इन पुणे हैज बीन इन्फेक्टेड विद दिस कोरोना वायरस। So whatever the number of cases that are getting reported, trust me, the actual numbers of coronavirus are much higher. Lot of people they don't go because they are not the carriers, they don't show the symptoms. इसलिए, और जब आप जा रहे हैं कहीं पे भी, चाहे आप किसी भी सुपरमार्केट में जाएं, चाहे आप वसंत कुंज के प्रोमिनाड में जाएं, एम्बियंस में जाएं, या आप एक्स वाई जेड कहीं पे भी जाएं, ठीक है ना, किसी भी उसमें जाएं, आप शॉपिंग मॉल में अगर आप जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है ना। तो जब टेम्परेचर वो लोग चेक करते हैं, तो आप मान के चलिए, जब आप एक नॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए आएंगे जयपुर SKIT में, तो हो सकता है यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कहे कि हाँ आप ले सकते हैं, छोटे बच्चों को भी ले सकते हैं, बड़े बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, परंतु द प्री रिक्विजिट इज कि उनको एक सबमिशन देना पड़ेगा दैट दे हैव ऑलरेडी बीन इनोक्यूलेटेड। इनोक्यूलेटेड मीन्स दे हैव ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द वायरस, ठीक है ना। आप जब भी कभी अफ्रीकन नेशंस में जाते हैं, तो वहां पे आज भी जो होता है ना, एक तरह का फीवर होता है, उस फीवर का येलो फीवर शायद उसको कहते हैं, तो उसके लिए आपको वैक्सीनेट कराना पड़ता है अपने आप को। वो वैक्सीनेशन का आपको सर्टिफिकेशन जो होता है, वो वहाँ पे कंट्री को, वहाँ की काउंसलेट को देना पड़ता है, तब वो आपको वीजा इशू करते हैं, और तब आप वहाँ पे ट्रेवल करते हैं। तो ये आज भी होता है, हर कंट्री में एक प्रकार का नया वायरस है, और जब भी आप वहाँ पे जाते हैं, तो आपको उस वायरस के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करके फिर जाना होता है। तो हो सकता है जब आप एजुकेशन लेने के लिए वापस आए जयपुर में, तो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट एक डायरेक्टिव दे दे कि जो भी एजुकेशन ले रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में, उनको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि उन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट करा दिया है।
बट मैं अभी नियर फ्यूचर में ऐसी कोई संभावना नहीं देखता हूँ. व्हेन यू गाइज विल बी अलाउड टू कम टू द कॉलेज एंड गेट द नॉर्मल एजुकेशन, दिस एजुकेशन विल रिमेन इन दी ऑनलाइन मोड एंड इट विल बी कम्युनिकेटेड टू यू अकॉर्डिंगली एंड यू विल हैव टू गिव द एग्जामिनेशन इन अकॉर्डेंस विद द ऑनलाइन दिस मोड. हाँ रौनक, यू वॉन्ट टू से समथिंग? जेई के और काफी सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं सर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आया है 6 तारीख से, नहीं 6 तारीख से भी आया है. सितंबर 6 सितंबर को मैंने आज ही पढ़ा है कि कोई एग्जाम होने जा रहा है. ठीक है ना, राजस्थान की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैंने पढ़ा है कि 6 सितंबर से कोई एग्जाम होने जा रहा है. ठीक है ना, अब वो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कर रहे हैं ये तो देखने वाली बात है ना. बट अगर ये गलती से भी अगर कुछ बच्चे अगर पॉजिटिव हो गए और अगर ये चीज निकल के आ गई न्यूज़पेपर्स में, तो इट विल बी अ ब्लैक स्पॉट ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट इज व्हाई द स्टेट गवर्नमेंट्स आर शाइंग अवे फ्रॉम होल्डिंग द एग्जामिनेशंस. दे आर नॉट प्रमोटिंग द एजुकेशन इन इट्स नॉर्मल वे. हर एक जना ये कह रहा है कि प्लीज आप लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस ही कंडक्ट करिए, स्टे इंडोर्स स्टे सेफ, यही मंत्र है आज की तारीख में. जैसे पहले आ रहा था ना कोरोना वायरस ऐसी है वैसी है, अब आजकल कह रहे हैं अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जब भी आप फोन करेंगे तो अनलॉक की प्रक्रिया में फिर भी देर इज अ कॉशन कि आप लोग अपना ध्यान रखें. पर मैं, हो सकता है दिल्ली हुआ, बड़े बड़े शहर हुए, वहां पे जो है इन्होंने जो स्ट्रीट बैगर्स होते हैं वो क्रॉसिंग्स पे अब फिर वापस आ गए हैं और कल जयपुर में 5 ऐसे स्ट्रीट बैगर्स पकड़े गए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव थे. तो दे आर द कैरियर्स ऑफ कोरोना वायरस एंड व्हाट डू? दे विल बी टचिंग, दे विल बी नॉकिंग, दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. सो दैट इज वेरी स्केयरी एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट टेकिंग एनी मेजर्स टू कीप देम अवे फ्रॉम द क्रॉसिंग्स एंड बैग फॉर देयर लाइवलीहुड. जरूरत यही है कि उन लोगों को वो कहीं ना कहीं उनका पुनर्वास करें, है ना. दे नीड टू बी रिहेबिलिटेटेड समवेयर सो दैट दे डू नॉट बैग एट द क्रॉसिंग्स एंड दे डोंट बिकम द कैरियर्स ऑफ कोरोना वायरस, दे डोंट बिकम द सुपर स्प्रेडर्स ऑफ दिस. बट इट इज वेरी स्केयरी एटलीस्ट इन जयपुर, आई कैन से विद एब्सोल्यूट श्योरिटी, क्योंकि ये मैं रोज देखता हूँ और मुझे बड़ा डर लगता है इस चीज को देख करके कि ये लोग जो होते हैं दरवाजे नॉक करते हैं, दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं और अगर शीशा नीचे हो तो आप भूल ही जाइए, वो अंदर तक हाथ दे देंगे कि 1 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो. इट इज वेरी स्केयरी. सो एनी वे लेट अस, वी हैव हैड लॉट ऑफ डिस्कशंस ऑन दिस ऑन गोइंग पेंडेमिक सिचुएशन इन द कंट्री एंड हाउ दिस सिचुएशन इज इम्पैक्टिंग ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड वन ऑफ द मेजर थिंग्स टू द इकोनॉमी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेटेड मासेस. सो गवर्नमेंट ऑन वन हैंड डजेंट वॉन्ट दैट देर शुड बी अ हॉल्ट इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स. ठीक है ना, दैट इज वन एंडेवर ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. ऑन द सेकेंड हैंड द गवर्नमेंट ऑल्सो वॉन्ट्स टू प्ले सेफ दैट दिस पेंडेमिक शुड नॉट अफेक्ट दाइव ऑफ चिल्ड्रन एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स. So they are, it is a mixed up strategy to keep you away from this pandemic. So they to an extent they are successful also, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे कॉलेजेस में आएंगे डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट यू. यू विल बिकम, यू मे और मे नॉट बिकम द कैरियर ऑफ दिस. सो On one hand, I must congratulate the central government as well as the state governments not to allow the schools and colleges to run. And also, it is a very welcome move on the part of the state government and central government to go for the promotion of online education. But to what extent this online education is going to be the future of this country, it is yet to be ascertained. But as far as the developed nations are concerned,
they are having this as a way of life. But in a country like us, we are not quite used to this online education system, but we need to promote. It may be to the extent of, I would say, 80% your presence in the college is required, and 20% it may be in the online mode, that you can have the education through online platform. So there has got to be a some kind of mix between the two. Aajkal rose webinars ho rahe hain, rose every day, matlab I keep receiving so many messages regarding the webinars. So that is the new way of educating the masses. So one of the good ways, I would say, but nevertheless, this is not going to be the future of the nation. There is no substitution of classroom teaching. Let me tell you, there is no substitution of chalk and talk method, right? There is no substitution of teaching through the PowerPoint presentations. They are all good means of educating the youngsters. But also at the same time, 10 to 20% if you mix up with the online education, it is a welcome move. It cannot be absolute, it cannot be 100%. Magar abhi is in halaton ko dekhte hue, ye situation bilkul theek hai, and just bear with the system and just wait for the time to become absolutely normal, and that time is not very far away. आपने मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और ये सितंबर अगस्त ऑलमोस्ट 6 महीने होने जा रहे हैं आप लोगों को व्हेन यू आर ऑफ फ्रॉम योर कॉलेजेस राइट. जब आपने 6 महीने बिता दिए तो आप सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3 महीने और गुजार लीजिए, एंड आई कैन एश्योर यू विद ऑल कॉन्फिडेंस कि दिसंबर में मास वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में शुरू हो जाएगा. इवन ICMR का जो चीफ है बलराम, मिस्टर बलराम, डॉक्टर बलराम हैज ऑल कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट इन केस इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आस्क्स अस टू स्टार्ट वैक्सीनेटिंग द मासेस अंडर एन इमरजेंसी प्रोग्राम वी आर रेडी टू डू दैट. ठीक है, नाउ रशिया हैज ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड अ डिजायर व्हिच हैज कम आउट विद द फर्स्ट वैक्सीन कोरोना वायरस का दैट वी वांट टू गो फॉर द large scale production of coronavirus vaccine with the help of Indian companies. So Russia has extended a hand of help to the Indian government that we are willing to go for the mass production of coronavirus vaccine. So if that becomes a reality, it is not a very distant thought when all of us will be vaccinated against this vaccine. Magar tab tak आपको और हमको सुरक्षित रहना है. दैट इज व्हाट यू गाइस हैव टू एंश्योर, एंड डोंट गो आउट ऑफ योर हाउसेस जस्ट फॉर फन सेक. इफ इट इज रिक्वायर्ड देन ओनली गो आउट, अदरवाइज नो, स्टे इंडोर्स, दैट इज द बेस्ट वे. सो विद दिस आई थिंक लेट्स स्टार्ट समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू योर टॉपिक. ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर knowledge. So if my memory serves me right, I had explained you what is price elasticity of demand. I told you that there are two methods of measuring up the price elasticity of demand, percentage method and geometric method. I explained the percentage method as a means through which you determine the percentage change in the quantity demanded, and you divide it by the percentage change in the price of the product. That is how you evaluate the price elasticity of demand. And geometric method, I explained it to you that on the demand curve, if you want to evaluate the price elasticity of demand at any particular point, it may be any particular point between this AB line, and if you want to determine the price elasticity of demand, you will have to divide the lower segment of the point at which you want to evaluate the price elasticity of demand with the upper segment of that particular point at which you are determining the price elasticity. So a division between the lower segment by the upper segment will fetch you the price elasticity of demand.
Now let us come to the degrees of price elasticity of demand. How many types of price elasticity exist in the market? There are five possibilities. One is known as perfectly elastic demand. The second one is known as elastic demand. Third one is known as unitary elastic demand. Fourth one is called as inelastic demand, and fifth one is perfectly inelastic demand. Now I will give you an explanation of each and every demand. Let us first of all take up the perfectly elastic demand. On the right hand side of your screen, you find that price is on the y-axis and quantity demanded is on the x-axis. And you find that there is demand which is drawing parallel to the x-axis, which is the quantity demanded. So when we talk about the perfectly elastic demand, we say that it's a kind of curve which is being represented by a straight horizontal line. And it shows that the market demand of a product is directly in relationship with the price of the product, and demand at a particular pricing, this particular pricing is infinite. It is infinite. Thus, a change in the price would always eliminate all the demand for a particular product. Demand is infinite. It keeps fluctuating on this horizontal line, and it may become even infinite. And this is a kind of situation where you would find that in case if you make even the slightest of change in the price of the product, then the quantity that you are demanding, it may even fall flat. It will become zero. That means keep charging what you are supposed to. If you increase the price of the product, the demand will fall flat. The demand will not be existing. आज आप मारुति चाहे आप डिजायर की बात करें, चाहे आप एल्टो की बात करें, कोई भी है, एक हमारे दिमाग में एक प्राइस फिक्स है. इट शुड नॉट बी कॉस्टिंग मोर देन 3 to 4 lakh रुपीज फॉर एल्टो. इट शुड नॉट बी कॉस्टिंग मोर देन 6 to 7 lakh रुपीज फॉर स्विफ्ट डिजायर, राइट? फॉर स्विफ्ट, आई बेग योर पार्डन. इट शुड नॉट बी कॉस्टिंग मोर देन 7 to 9 lakh रुपीज एज फार एज डिजायर मॉडल इज कंसर्न. Everything is fixed, right? Suddenly, if you find that Desire is costing 12 lakh rupees, the model of Desire, say let it be VXI. VXI approximately costs 8 lakh rupees in the market. Suppose if it starts costing you 12 lakh rupees, you will find that all the prospective customers of Desire, they have switched over to some other brand. The demand for Desire will fall flat. It will be zero. But when the pricing is 7 to 9 lakh rupees, you will find that there are consistent buyers and they are buying the product. They will continue to buy till the time. See, also we need to understand, when I am talking about the price of a product, you have to take into consideration the position of rupee vis-a-vis dollar. If there is a devaluation of rupee vis-a-vis dollar, presently when we look at the rupee value vis-a-vis dollar, we find that there is a lot of devaluation. $1 aaj ki tarikh mein 75 rupees ka ho chuka hai. Yehi aaj se 3 saal pehle, if I am not wrong, yehi aaj se 3 saal pehle 65 rupees hota tha, 64 rupees hota tha, 63 rupees hota tha. Theek hai? So within 3 years, there has been an appreciation of dollar, and a huge depreciation of rupee has been observed in the international markets. So when there is a devaluation of rupee, and since we all know that most of the parts of automobile companies, most of the parts, they are getting imported into India, and when there is a devaluation of rupee value, then certainly the cost of part will also go higher. So we adjust accordingly. The first Maruti Wagon-R that I bought in 2001, it cost me somewhere around 3,90,000 rupees. 3,90,000 rupees at that point of time I am talking of, year 2001, right? Now after 20 years down the line, approximately
19 years to be very precise. I find, where does it stand for? It stands for somewhere around 5 lakh rupees, 5,70,000 rupees or so. So that means there has been an escalation in the price of the product by 2 lakh rupees. But if you make a comparison with the dollar value at that point of time vis-a-vis rupee, you would find that dollar at that point of time was costing somewhere between 30 to 40 rupees. So the prices, the devaluation of rupee is almost twofold, or maybe 75%. And accordingly, you will observe that the rates have been revised upward to 5,70,000 rupees to begin with, which I bought for 3,90,000 rupees. So we can say, with the passage of time, the price of the product has not gone higher. It more or less remains same if we make the adjustment of the rupee value vis-a-vis dollar. It more or less remains same. So the demand continues. The demand will continue. It will continue to be parallel to the quantity that has been on the x-axis. So when the price remains same, the demand also continues unabated. Unabated matlab, it remains in a flow. It doesn't stop. But when you increase the price drastically, you will find that all the customers have deserted that particular product and they have switched over to something else. This is what we even experience when we go to the market for the purchase of any food article when we want to make the purchase of. We always want value for money. So when the demand is a horizontal line to the x-axis or to the quantity that has been demanded at a particular price, this situation is what we call as perfectly elastic demand, right? The second one is elastic demand. The elastic demand means, what does it mean? That when you make a change in the price of the product, right, the percentage change in the quantity demanded will go much higher. Suppose when the price was P1, the quantity that was demanded was Q1, and when you reduce the price to P2, the quantity demanded increased to Q2. And this is a curve which is looking, it is becoming lower and flatter. It is becoming lower and flatter, and the thing is that Q1, Q2, delta Q is greater than that of delta P. When such a situation is arrived at, this is what we call as elastic demand, where the price elasticity of demand is more than one. The price and the prerequisite of elastic demand is that price elasticity of demand should be always greater than one. When this is so, we call it elastic demand. Any value that is more than that of one, that means whenever Q1, Q2 is more than that of P1, P2, the condition is known as elastic demand. Where do we make an observation of this elastic demand? Especially with all the food items and mainly in clothes. Whenever end of season sale arrives, you find that demand for the clothes goes higher, much higher than that of the change in the percentage change in the price of that particular article. It may be a shirt, it may be a pant, it may be a t-shirt, it may be jeans, it may be anything else, right? So the most opportune time when you can make the purchase of product is at the time of end of season sale. And the same thing holds true even for the wristwatches. You can also make a mention of wristwatches. The organizations which are into the making of wristwatches, they offer discounts up to 30 to 50% to the customers. And that is something which is really very, very good. Very, very good. So whenever, be a prudent purchaser. Whenever you want to make the purchase of such items, especially ghadiyan hui, aapke kapde hue, है ना, वेट, इवन जो आपकी जो अमेजोन के ऊपर जो सेल होती है आजकल, अमेजोन के ऊपर
See, you know what has been happening in the market. The demand for laptops suddenly has gone much higher than that of what we had anticipated during the pandemic times. Pandemic times में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को हुआ है, डेल, लिनोवो, आसुस, एचपी, इन कंपनीज को बड़ा जबरदस्त फायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि सारी एजुकेशन दुनिया की ऑनलाइन मोड पे आ चुकी है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो हर बच्चे को आज की तारीख में एक लैपटॉप की जरूरत हो गई है। तो ऐसी स्थिति में एक कहावत है, मेक हे व्हेन सनशाइन्स, बहती गंगा में हाथ धोना। जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है इकोनॉमी को लेकर के, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, कंप्यूटर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कि डिमांड में एक एक स्पर्ट आया है, एक बहुत बड़ा उछाल आया है। उस उछाल को ये लोग एक्सपीरियंस इसको मतलब एंजॉय कर रहे हैं। और आप देखेंगे सडनली पहले लैपटॉप जो 35,000 का कॉस्ट कर रहा था वो आज सडनली 55,000 का हो गया है, तो 40,000 का था वो 65,000 का हो गया है। लाइक दे वर ऑफरिंग ह्यूज डिस्काउंट्स टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट एंड टू मेक द सेल ऑफ देयर मशीन्स, बट सडनली लुकिंग एट दी फिनोमिनल इंक्रीज इन द डिमांड फॉर लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स, व्हाट दीज कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैव डन, दे हैव जैक्ड अप द प्राइस। देखिए एमआरपी तो सब कंपनियों ने बहुत बहुत रखे हुए हैं, चाहे वो आप कपड़ा लेने के लिए जाएं, चाहे आप जूता लेने के लिए जाएं, चाहे आप कुछ भी, इवन अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं और वहां पे आप कोई सा भी फूड आइटम लेते हैं तो आप देते हैं, कुछ सुपरमार्केट्स होते हैं जो कि एमआरपी पे ही बेचते हैं, बट अगर आप बाहर आकर के अपने किसी आसपास की किसी ग्रोसरी शॉप पे उसी फूड आइटम को देखते हैं तो बेचारा आपको डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, तो एमआरपी ने इतना बड़ा एक एमआरपी में एक इतना बड़ा प्ले होता है, आई वुड कॉल इट अ प्ले, दैट द प्राइसेस कैन बी एडजस्टेड, द प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी एडजस्टेड बाय द ट्रेडर, लुकिंग एट द मार्केट सिनेरियो, लुकिंग एट दी मार्केट दैट ही सर्व्स और केटर्स टू। तो आज के जमाने में जो है ज्यादातर जो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन्होंने अपने डीलर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आप खूब जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो। अनदर थिंग इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, विच मीन्स वेन द चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ब्रिंग्स अबाउट द सेम परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, दैट इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर यू विल फाइंड दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्विवेलेंट टू द इलास्टिसिटी इक्विवेलेंट टू वन, एंड व्हेन दिस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट बिकम्स वन, व्हेन डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा सॉरी डिवाइडेड बाय डेल्टा डेल्टा पी बाय पी, व्हेन इट बिकम्स वन इन दैट इवेंट व्हाट हैपेंस दैट elasticity of demand is equivalent to what? It is equivalent to one, and this unique situation is nothing but price elasticity of demand, which is unitary. So that is what you have to. This is a very artificial and arbitrary condition, right? Which may or may not exist for any business organization. Now, looking at the inelastic demand, you find that the percentage change in the price is much greater than that of the percentage change in the quantity demanded. When such a situation exists where ED is equivalent is less than one, that means delta Q is less than that of delta P. This is a situation of inelastic demand. And the examples that I have given, आप पेट्रोल के कितने भी दाम बढ़ा लीजिए, ठीक है ना, कितने भी दाम बढ़ा लीजिए, क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी सी लेस होगी क्योंकि कस्टमर थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। रेलवे के फेयर कितने भी बढ़ा लीजिए, ट्रैवलर्स तो बेचारे ट्रैवल करेंगे, जो थोड़े बहुत ट्रैवलर्स होंगे वो अवॉइड करेंगे ट्रैवल करना। टूथपेस्ट के दाम बढ़ा लीजिए, रोज सुबह आपको टूथपेस्ट करना पड़ता है, अल्टीमेटली डिमांड तो रहेगी, चाहे वो कम रहे थोड़ी या ज्यादा रहे। हो सकता है दूसरी ब्रांड के ऊपर लोग स्विच ओवर कर जाए। टेली कम्युनिकेशन एंड कंपनीज के साथ में भी यही है, उन्होंने आपको डेटा जो है 300 रुपए में 1 GB का भी पहले बेचा हुआ है, ठीक है, आज वो 300 रुपए में क्या 200 रुपए में आपको 50 GB डेटा भी देते हैं, ठीक है ना। तो उससे हालांकि ये बढ़ रही है, बट जब
प्राइस उन्होंने बढ़ाया हुआ था, तब मे बी लेसर नंबर ऑफ कस्टमर्स वर देयर बट स्टिल दे वर देयर। इलेक्ट्रिसिटी भी कितने भी दाम बढ़ा दीजिए, 4 रुपए से 9 रुपए 10 रुपए हो चुकी है पिछले 6 साल में इलेक्ट्रिसिटी। कंजम्पशन हमने हो सकता है थोड़ा सा कम किया हो, बट वो कंजम्पशन आज भी एग्जिस्ट करता है, चाहे थोड़ा सा हमने नंबर ऑफ यूनिट्स कम की हो, बट अल्टीमेटली जो रेवेन्यू जनरेशन है ऑन द पार्ट ऑफ JVVNL में, जैसे बात करूंगा जयपुर विद्युत वितरण निगम की, तो रेवेन्यू तो उनका बढ़ ही रहा है चाहे नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम कम हो रही हो। तो सरकार भी यही चाहती है कि रेवेन्यू ज्यादा मिले चाहे और नंबर ऑफ यूनिट्स का कंजम्पशन कम हो, ताकि हर गांव और हर क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया जा सके। आई थिंक आई विल पुट एन एंड टू माय लेक्चर हियर एंड वी शैल। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने अभी सर प्राइसेस बढ़ा दिए।